हेलो एवरीवन, चलो मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर रहा है, कौन से डायरेक्शन ट्रेड कर रहा है, क्या क्या चीज हो सकती है। अभी लास्ट मोमेंटम में यहाँ से मार्केट में मोमेंटम आया, लेकिन मैं एक्टिव नहीं था मार्केट में। आप सबको मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि मेरे दोस्त की शादी थी, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा वहां पर बिजी था एंड मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया मार्केट देखने के लिए बिल्कुल भी। तो इसकी वजह से मैं आपको कुछ अपडेट नहीं कर पाया था, लेकिन बस एक दिन के लिए मैं बिजी था, बाकी सारे दिन तो देख रहा था मैं मार्केट को। बीच में देखने के लिए भी टाइम नहीं मिला, अगर मिलता तो यहाँ पर कहीं पर एक बार प्रॉपर एंट्री मिल जाता कहीं ना कहीं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट के हिसाब से, और फिर मार्केट में मोमेंटम कैच कर सकते थे। होप आपने मोमेंटम कैच किया होगा। लगभग लगभग हमारे स्टूडेंट्स ने मुझे जिस तरीके से दिख रहा है चार्ट पर, दो तीन एंट्री तो उनको मिल ही गया होगा, बहुत अच्छे से एंट्री। यहाँ पर भी एक आसपास एंट्री मिल गया होगा, यहाँ पर भी एक एंट्री मिल गया होगा, फिर ये भी प्रॉफिट उन्होंने कैच भी किया है। अगर ये नहीं कैच किया तो ये भी कैच कर लिया तो भी बहुत हो जाएगा। लेट्स सी, देखते क्या कर लिया, आई डोंट नो, क्योंकि मैं खुद ही एक्टिव नहीं था तो मैंने देखा नहीं कि किस तरीके से क्या हो रहा था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए देखते। अभी थोड़ा सा हम चार्ट को जो डिटेल्स में एनालिसिस करने वाले हो, वीकली टाइम पर एनालिसिस करेंगे, थोड़े से बड़े चार्ट को देखते हैं मार्केट क्या पिक्चर बना रहा है, किस तरीके से पिक्चर बना रहा है। लेकिन अभी जिस तरीके से मार्केट क्लोज कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट क्लोज कर रहा है। मतलब जब भी मार्केट एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग कर जाता है, उसके बाद से ट्रेडिंग करना या फिर सेलिंग में जाना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, फिर बाइंग में जाना भी डिफिकल्ट हो जाता है। जब भी मार्केट बाइंग में आ रहा है, आपको बार बार एक पैटर्न दिख रहा होगा, मार्केट गैप पे ओपन हो जाता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर सडनली अपसाइड मोमेंटम करता है। मतलब मार्केट बार बार गैप अप ओपन होने की कोशिश हो रहा है, बार बार गैप ओपन हो रहा है। मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूँ, बस एक दिन जब भी एक गैप डाउन बन जाएगा ना, उसके बाद सिचुएशन थोड़ा सा मार्केट का चेंज हो जाएगा, लेकिन मार्केट ऐसे कर नहीं पा रहा है। मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, फिर अपसाइड मोमेंटम, फिर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, फिर डाउनसाइड मोमेंटम। मतलब एक बार भी, एक सिंगल गैप डाउन भी मुझे अभी तक ये सिचुएशन पे कहीं पर भी मार्केट में नहीं देखने के लिए मिला है। एंड इस वजह से मैं थोड़ा सा उस सेंटिमेंट को देख नहीं पा रहा हूँ जो मुझे एक्चुअली में मार्केट में देखने की जरूरत, में ट्राई करने वाला हूँ। लेकिन मार्केट है, मार्केट जैसे चलेगा उसके साथ ही चलना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि मैं सेलिंग ही करूंगा, मैं बाइंग ही करूंगा। मार्केट जो पैटर्न दिखाएगा, मार्केट जो सिस्टम में चलेगा, उसके साथ ही चलना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए जो एनालिसिस मार्केट के हम करने वाले या फिर जिस तरीके से चीजों को देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को कॉम्बिनेशन के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का क्लोजिंग मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं है। मार्केट ने लगाया कितना, अगर आप देख सकते हो, ये अगर देखोगे तो 48,200 के आसपास का हाई लगा चुका है मार्केट। मतलब हम कब से मार्केट को प्लान कर रहे थे, बॉटम लेवल आपको पता होगा निफ्टी के बारे में, कि तब से हमने प्लान बना के रखा था कि बैंक निफ्टी 47,000 48,000 का भी बैंक निफ्टी टारगेट दिखा सकता है, इजिली दिखा सकता है। निफ्टी में हमने वही जो प्लान बनाया था, मार्केट ने 20, बहुत अच्छे तरीके से मार्केट ने मोमेंटम किया और बहुत अच्छे तरीके से मार्केट हमारे साथ में चलते चलते जा रहा है, और सेंटिमेंट के हिसाब से मार्केट चलते जा रहा है। हमें यही अभी सीखना होता है मार्केट से कि हम कर क्या रहे हो, किस तरीके से करना है। अभी फिलहाल के लिए अगर हम मार्केट का सिचुएशन को देख रहे हैं, तो जस्ट ऑब्जर्व करोगे मार्केट को, आपको तो समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस तरीके से रैली करने की कोशिश कर रहा है। अब भी मार्केट जाने का हवाला है और मार्केट जा कहां सकता है, ये चीजों को हमें देखना पड़ेगा और सिस्टम को समझना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए 48,200 के पास से मार्केट एक बार हाई मारने के बाद मार्केट वापस आकर क्लोजिंग कर चुका है, 48,000 के आसपास क्लोज कर चुका है। मतलब लगभग लगभग 150 से 200 पॉइंट मार्केट नीचे आकर क्लोज कर चुका है, और मार्केट कहीं ना कहीं सेंटिमेंट के हिसाब से मार्केट क्लोजिंग 200 पॉइंट नीचे कर चुका है। मतलब मार्केट बार बार अपसाइड तो मोमेंटम कर रहा है, लेकिन बार बार यहां से कहीं ना कहीं सेलर्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एक्टिव हो रहे, या फिर इसको हम सेलर नहीं बोल सकते, या फिर क्या हो सकते, यहां से जिन लोगों ने बाइंग करके गए होंगे वो कहीं ना कहीं इन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके लिया होगा। इस तरीके से सेंटिमेंट भी दिखा सकता है मार्केट, और इस तरीके से चीजें भी यहाँ पर हो सकती है, इट इज हाईली पॉसिबिलिटी। लेकिन अब इस सिचुएशन को क्या देख सकते हैं, पहले हम थोड़े से बड़े चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे, बिगर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट कर कैसा रहा है और क्या चीजें कर रहा है, वो पहले देखने की कोशिश करते, फिर जाकर हमें थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी आएगा कि मार्केट कहां जा सकता है। अभी चलो एक बार थोड़ा सा बड़ा चार्ट को देखने की कोशिश करते। अगर हम ये चार्ट आपको दिखा दूं ओपन करके, तो वीकली चार्ट में अगर दिखा दूं, अगर वीकली कैंडल देखोगे तो क्या क्या बोलेंगे इसको, दिस इज द बुर्ज खलीफा टाइप का कैंडल आपको दिख रहा होगा। बहुत जबरदस्त एक अपसाइड मोमेंटम मार्केट में करके मार्केट ऊपर भी जाकर क्लोज कर रहा है। मार्केट ने रैली स्टार्ट किया था, यहाँ से हमने बॉटम लेवल से मार्केट को फाइंड आउट किया था, 42,000 से हमने फाइंड आउट किया था, और मार्केट ने 48,000 का हाई लगा चुका है। मतलब मार्केट बहुत अच्छी रैली ऑलरेडी कर चुका है, तो कहीं ना कहीं ये लेवल के आसपास अब मार्केट और भी अपसाइड मोमेंटम करने के लिए ही हम प्लान बनाएंगे। लेकिन जब भी अपसाइड मोमेंटम के लिए प्लान बना रहे, क्वांटिटी को थोड़ा सा एडजस्ट करके ट्राई कर लो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत हाई टॉप पे ट्रेड कर रहा है। जब तक कोई क्लियर पैटर्न नहीं दिखता, जब तक कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं दिखता, हम जाकर मार्केट को डायरेक्टली जाकर बाय नहीं कर सकते। इसको हमेशा आपको समझना ही पड़ेगा, इसके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होने वाला। तो आप अभी के लिए फिलहाल ये समझ पा रहे हैं। एक बार हम डेली चार्ट को देखते हैं, डेली चार्ट में देखने के बाद मार्केट ने देखो यहाँ पर आपको क्या चीजें दिख रही है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर दिख जाए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या मार्केट ने बहुत टाइम तक एक जगह पर आसपास टाइम किया, और यहाँ पर मार्केट में कहीं ना कहीं एक जगह पर मार्केट रुकने के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, मार्केट में एक्यूमुलेशन आ जाता है। एक्यूमुलेशन मतलब यहाँ पर बायर सेलर इन दोनों में आते रहते हैं, और फिर इसके बाद मार्केट जिस भी साइड निकल जाता है बहुत बड़ा मोमेंटम करके चला जाता है। आई थिंक आपको पता भी होगा, मैंने किसी वीडियो में ये बता भी दिया था कि मार्केट अभी जिस जगह पर ये जिस जितना यहाँ पर रेंज खड़ा किया, इसका ऊपर डबल इतना टारगेट होना चाहिए, ऊपर की साइड में डबल टारगेट हो जाना चाहिए, लेकिन मैं अपसाइड मोमेंटम में मार्केट में थोड़ा सा भी थोड़ी सी क्वांटिटी को कम कर
करके करके ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि ये कैंडल अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये कैंडल आपको इस टाइप की कैंडल दिख रही होगी, ये इस टाइप की कैंडल दिख रही होगी, इसको हम शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। मतलब सेलर ने यहाँ पर भी एक बार मार्केट को ट्राई किया, लेकिन बाद में मार्केट सीधे अपसाइड मोमेंटम कर जाता है। मतलब सेलर के हाथ में मार्केट अभी है ही नहीं और मार्केट सेलर के हाथ में बिल्कुल भी आने नहीं वाला अभी भी, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट चल रहा है, न्यूज चल रही है, आप सबको पता है इलेक्शन आने वाले हैं कुछ 3 स्टेट्स में, जैसे गवर्नमेंट आ गई बहुत सारी चीजें चेंजेस होने लगे, तो मार्केट को यही ज्यादातर चल रहा है। मार्केट अभी न्यूज को ज्यादा फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट न्यूज के साथ ज्यादा चलने की कोशिश कर रहा है, और इसी साथ के साथ कहीं ना कहीं मार्केट न्यूज के साथ साथ क्या हो जाता है ना, देखो कुछ मतलब रोने वाले को बहाना चाहिए इस टाइप का जो सिचुएशन होता है, वैसा ही मार्केट में मार्केट को जाना तो ऊपर ही था, उसके साथ साथ मार्केट में इलेक्शन का बहाना मिल गया, तो दोनों का मिलकर पावर मार्केट में आकर मार्केट ऐसे अपसाइड मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है। जब मैं आपको काफी लॉन्ग टाइम से आपको बार 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 एक ही चीजें बोलते जा रहा हूँ, बस एक गैप डाउन मुझे चाहिए, बस एक गैप डाउन मुझे चाहिए, उस गैप डाउन के बाद कहीं ना कहीं मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा। जिस दिन देख लेना, जिस दिन भी मार्केट एक गैप डाउन हो जाएगा, एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि भाई मार्केट इतना ऊपर चला गया, मार्केट सोचो कि मार्केट यहाँ पर 500 पॉइंट ऊपर चला गया, यहाँ से ऊपर चलेगा और फिर जाकर मार्केट 100 पॉइंट ही गैप डाउन ओपन हुआ, इसका कोई यूज नहीं होने वाला, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मार्केट के पास। मार्केट एक सडनली अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होना चाहिए। व्हाट इज अच्छा खासा गैप डाउन, व्हाट इज अच्छा खासा, लगभग 300 पॉइंट के नीचे नीचे अगर मार्केट कहीं पर भी गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर कुछ सिचुएशन में देखने के लिए प्लान कर सकता हूं। कुछ इतना सिचुएशन का अगर कुछ आ जाता है तब मेरे लिए कुछ मार्केट थोड़ा सा सेंटीमेंट के हिसाब से मैं मार्केट को प्लान कर सकता हूं कि मार्केट कुछ थोड़ा बहुत अगेंस्ट, अभी मार्केट थोड़ा सा ऑलरेडी अगेंस्ट द मार्केट ट्रेड कर सकता है, इस तरीके से कुछ दिखा सकता है, लेकिन स्टिल अभी तक मार्केट बुलिश ही है। तो उस तरीके से हम दोनों का प्लान बनाएंगे कि मार्केट अगर ऐसा करेगा तो क्या करेंगे, मार्केट अगर गैप अप करेगा तो क्या करेगा, दोनों चीज का प्लान बना देते हैं। अभी फिलहाल के लिए जैसा ये बहुत जोन एक अच्छा खासा क्रिएट करने के बाद मार्केट ने यहां से एक अपसाइड मोमेंटम तो जरूर किया है, लेकिन इस अपसाइड मोमेंटम में मार्केट कंटिन्यूअसली हाई पे हाई मारता जा रहा है। आप सबको पता है, बोलते हैं ना कि मैं हिट पे मारता फिर, जो सॉन्ग आपने सुना होगा कहीं कॉपीराइट आ जाएगा, इतना भी बोलते हो ना, टी सीरीज तो बहुत जल्दी कॉपीराइट मार देते हैं, वो तो बस क्या ही बोलूं। ठीक है, यहाँ पर देखो तो गैप डाउन, अगर ये गैप डाउन की गैप देखते कि मार्केट अभी छोटे से लोअर टाइम फ्रेम पे चल के देखते कि थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा क्लियरिटी आएगा हमें ट्रेड करने के लिए और समझने के लिए, मार्केट को समझने के लिए, क्योंकि इंट्राडे ही हमारे लिए थोड़ा सा, क्योंकि हम ट्रेडर तो इंट्राडे ही करने वाले, तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा प्लान बनाने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल मार्केट का सिचुएशन बहुत अच्छा है, मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है और उसी तरीके से प्लान बनाएंगे, ये चीजों को देखते कि मार्केट कर क्या सकता है। मार्केट अब एक याद ऑब्जर्व कर रहे हो ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, सडनली यहाँ पर सेलर्स मार्केट में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, अगर आप देखकर समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको कुछ हिंट देके चला जाता हूँ, बाकी आप उसके ऊपर रिसर्च करो, आपको पता चलेगा। जब भी मार्केट ऊपर गैप ओपन होकर फिर नीचे चला आता है ना, तो मार्केट इससे ज्यादा नीचे जा नहीं पाता। अब इसका आंसर आपको देना है कि क्यों नीचे नहीं जा पाता, इसको आपको बताना है। अगर आपने ये इसके आंसर, जितने भी लोगों ने जितने भी आंसर दे दिए होंगे, मैं ट्राई करूंगा कि जितने आप आंसर दे चुके होंगे उसमें से मैं एक स्टूडेंट कैच करने की कोशिश करूंगा, उनको हम नेक्स्ट बैचेस में, मतलब दिसंबर बैचेस तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी चल ही रहे, वो तो खत्म भी हो चुके होंगे, लेकिन अभी इसके बाद मतलब जनवरी में मैं एक स्टूडेंट को इसमें से कैच करूंगा, जिनका भी आंसर परफेक्शन होगा, जिनका भी आंसर एकदम परफेक्ट आएगा कि इसके नीचे मार्केट क्यों नहीं जा पाया, मतलब मार्केट यहां से सेलिंग तो कर गया लेकिन मार्केट यहां तक आने के बाद इससे ज्यादा नीचे क्यों नहीं जा पाया, इसका क्या रीजन हो सकता है, अगर कोई इसका आंसर परफेक्ट बता देता है तो उसको हम क्या करेंगे, उनको हम यहां पर हम उसको बोलते क्या बोलते, वो बोल देते कि क्लासेस में उनको फ्री एडमिशन मिल जाएगा जनवरी बैचेस में। तो सबसे ज्यादा आप जितने ज्यादा कमेंट कर सकते करो, देखते कि कितना लोगों का आंसर सही दे पाते, उसमें से देखो क्लियर, अगर आप एक्सप्लेन करते हो, क्लियर एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसका रीजन क्या हो सकता है, भले उसको एक पूरा पैराग्राफ लिख दो कि हाँ ये हुआ सिचुएशन, ये पूरा पूरा लिख सकते हो, कोई भी कितना कोई भी लिख सकता है, लाइक दैट कि इसका हाई क्या था, फिर इसका मार्केट नीचे यहाँ तक कितने पॉइंट नीचे आया, फिर यहाँ पर जाने के बाद क्या किया, फिर ये से क्या, कि जो भी आप दे सकते हो जितना ज्यादा डिटेल्स में दे सकते हो उतना ज्यादा डिटेल्स में देखो। तो हम गिव अवे ट्राई करेंगे कि एक स्टूडेंट को चूज करेंगे इसमें से, कि जो स्टूडेंट हमारे लिए, हम जनवरी बैचेस के लिए उनको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं होगी और वो डायरेक्टली हमारे क्लासेस में एडमिशन हो जाएंगे, और उसका जो रैंडमली क्या है, मैं रैंडमली सिस्टम से एक सिस्टम जनरेटेड होता है उसमें से मैं आपका कमेंट डाल दूंगा उसमें से, और उसमें से मुझे कोई 10-12 कमेंट 15 कमेंट मुझे शॉर्ट आउट करके निकल गएंगे, उसमें से मैं पर्टिकुलर चूज करूंगा, उसमें से देखते कि कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो कौन कितना मार्केट को समझ रहा है, उसमें से अगर किसी ने परफेक्ट आंसर दे दिया तो उसको हम चूज करने की कोशिश करेंगे। आंसर आप स्टेप बाय स्टेप भी ले सकते हो, लाइक दैट स्टेप वन इसका ये क्या था, दूसरा स्टेप टू इसका क्या हो सकता है, स्टेप टू स्टेप थ्री इसका क्या हो सकता है, मतलब लगभग हर एक स्टेप में ये कैंडल क्या हुई, फिर उसके बाद ये कैंडल क्या हुई, फिर उसके बाद ये क्या हुआ, यहाँ पर क्यों नीचे नहीं गया, ऐसे स्टेप्स करके भी आप दे सकते हो डिटेल्स में, जितना ज्यादा डिटेल्स में इसके बारे में बता सकते हो बता देना, ताकि मुझे भी पता चला कि आप सब लोग भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो मार्केट को समझने के लिए। देखते लेट्स सी किस तरीके से क्या क्या रिस्पॉन्ड आ जाता है, और आपको भी मजा आ जाएगा, जो जो लोग कमेंट कर रहे हैं पढ़ जाओ, बार बार जाकर कमेंट को पढ़ते रहो, क्योंकि आपको भी पता चलेगा, अगर आप चाहे तो आप वापस भी कमेंट कर सकते हो एक दूसरे की कमेंट देखकर, अगर किसी ने परफेक्ट लिखा होगा तो उसके बाद भी आप भी कमेंट कर सकते हो, तो आपको भी
बेनिफिट हो जाएगा। तो ये भी आप इसका यूज कर सकते, मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि किसी का कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी लैंग्वेज में कॉपी करो, मतलब उसका उठा लिया और आपके ये डाल दिया तो कुछ फायदा नहीं होने वाला, और दोनों को भी टर्मिनेट हो जाएगा, दोनों भी टर्मिनेट हो जाओगे क्योंकि एक जैसा दोनों का कमेंट आ रहा है, मतलब दोनों को भी मुझे चूज करने में दिक्कत आ जाएगी। तो इससे बेटर है कि आप खुद उसका कॉपी कर रहे हो, करो बिंदास करो, लेकिन आपकी लैंग्वेज में कॉपी करो तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। चलो अभी देखते हैं मार्केट को। मार्केट सोचो कि मार्केट अभी यही लेवल के आसपास क्लोज हो चुका है, ये लेवल के आसपास क्लोज हो चुका है। अगर मार्केट अभी भी जाकर वापस कैप अप मार्केट ओपन हो जाता है कहीं पर भी मैं वापस क्या प्लान करूंगा, मैं हर बार मार्केट को एक सिचुएशन को प्लान करो, यहां पर भी आप देखोगे तो मार्केट कभी भी नीचे आया ही नहीं, यहां पर गैप अप ओपन हो सीधे अपसाइड मोमेंटम करके चला गया। लेकिन अभी अगर यहां पर मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर जाता है, कहीं पर भी किसी जगह पर मार्केट ओपन हो रहा है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है लगभग 48,250 ये सारे लेवल के पास अगर गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है तो एक शूटिंग स्टार कैंडल का हम वेट करेंगे, शूटिंग स्टार का कैंडल का वेट करेंगे। देखो एक सिंपल सी चीज करने सब ज्यादा अच्छे से देखो, हम सोचो कि एक सिंपल से प्लान बना देते कि हमने एक दो तीन बार एक शूटिंग स्टार कैंडल का वेट किया, दो तीन दिन में मतलब दो तीन बार हमने प्लान किया कि मार्केट अगर शूटिंग स्टार कैंडल बना देता है तो हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमने शूटिंग स्टार बनाने के प्लान किया होगा, मार्केट नीचे आया, आपका ट्रेड पैसा बन गया। लेकिन समझो कि हमने एक कैंडल को देखा, मतलब एक दिन के एनालिसिस किया, यहां पर हमने प्लान किया लेकिन मार्केट शूटिंग स्टार बना के ऊपर जाकर आपका एसएल हिट किया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरे दिन में हमने इसी शूटिंग स्टार को ट्रेड किया, फिर मार्केट ऊपर जाकर आपका स्टॉप लॉस हिट किया, फिर हमने शूटिंग स्टार का प्लान किया लेकिन फिर मार्केट इस बार में मार्केट नीचे गिरकर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया। अब ये शूटिंग स्टार का लेंथ कितना हो सकता है तीन बार में, लगभग मेरे हिसाब से लगभग आपका मैं मान के चलता हूं कि 50-50 पॉइंट के एसएल आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। दो बार आपका स्टॉप लॉस हुआ, आपका कितना लॉस हुआ, 100 पॉइंट का लॉस हुआ। लेकिन एक दिन बस मार्केट ये सिचुएशन पे नीचे आ भी गया ना, मैं लिख कर ले लो मेरे बात, अंडरस्टैंड करो, लगभग आपको 200-250 पॉइंट अगर आपके ऑप्शन में पुट में नहीं बने ना तो मेरा नाम बदल देना, आप देख लेना बदल के, 101% बोलते तो आपको 200 पॉइंट से ऊपर तो मिल ही जाएंगे। आपका जो यहाँ पर हमने लॉस किया उतना आपका रिटर्न नहीं आया एक ही दिन में तो मुझे बता देना बस, क्योंकि मार्केट का यही सिग्नल होता है। मार्केट को बार बार हम एक ही सिस्टम के साथ ट्रेड करना समझते हैं, एक ही सिस्टम के साथ मार्केट को हम कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग करने का ट्राई कर देते हैं, क्योंकि कई बार मार्केट आपको रॉन्ग प्रूव करने के लिए कोशिश करता है। लास्ट फरवरी महीने में आपको कुछ कंसेप्ट बता दूं, आपको पता है 2023 में फरवरी मंथ में मेरी हर एक सिस्टम फ्लॉप कम काम रही थी, मतलब मैं कितने भी अच्छे ट्रेड कर रहा हूँ मेरे सेंटिमेंट पे मैं गलती प्रूव हो रहा हूँ, मैं कितने भी ट्रेड कर रहा हूँ मैं गलती प्रूव हो रहा हूँ। मार्केट करता क्या है सिचुएशन पे, मार्केट क्या करता है आपके सिस्टम को गलत प्रूव करने की कोशिश करता है, जो आप सालों साल से यूज कर रहे हो, जो सालों साल से आपको मार्केट में सिस्टम काम कर रही है, वो एक मंथ में मार्केट आपको गलत प्रूव करने की कोशिश करता है। मार्केट बोलता है भाई सिस्टम को बदल जाओ, मार्केट सिस्टम को बदल जाओ, अब ये सिस्टम काम नहीं करेगी। लेकिन एक बात याद रखो, हर एक सिस्टम हर लाइफ टाइम काम कर दिए, लेकिन उसका कभी कभी ड्रॉबैक भी आ जाता है, उसका कभी कभी फेल्यूर का टाइम भी आ जाता है। उस फेल्यूर के टाइम पे आपको खुद को बचा के रखना पड़ता है। अगर उस फेल्यूर के टाइम पे अगर आपने खुद को बचा के रख लिया तो समझ देना कि आपका आने वाले टाइम पे पैसा बहुत बड़ा बनने वाला है, क्योंकि जिस टाइम पे आप ड्रॉबैक में आने वाले, लगभग समझते कि एक मंथ में आपने यहां पर 2 लाख का प्रॉफिट बनाया, यहां पर 2 लाख का बनाया, यहां पर 2 लाख का बनाया, यहां पर 2 लाख, लेकिन एक मंथ ऐसा भी आएगा कि यहां पर आप 1 लाख का 2 लाख का लॉस भी करोगे। इस लॉस में आपको बच के रहना है, क्योंकि यहां पर आपके सिस्टम कोई काम नहीं करेगी। मार्केट इन टाइम पे आपको बहुत बार पैसे देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जगह पर आने के बाद मार्केट आपको पैसे नहीं देगा और मार्केट आपको कहीं ना कहीं यहां पर परेशानी क्रिएट करेगा, जानबूझकर परेशानी क्रिएट करेगा, ताकि आप कहीं ना कहीं सिस्टम को छोड़कर भाग चले जाओ। इसलिए सिस्टम को कभी नहीं बदलना। मेरा भी फरवरी मंथ में ऐसा ड्रॉबैक आया था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छे से कम काम कर आज तक वही सिस्टम काम करी और आपको पता ही कि एनालिसिस किस तरीके से काम करती है। मैंने आपको क्या समझा, अभी फिलहाल के लिए मार्केट में यहां पर ऊपर आ रहा है, मार्केट में एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो उसी शूटिंग स्टार के नीचे, लेकिन देखो शूटिंग स्टार के नीचे हम सेल करेंगे, मार्केट सेल करेंगे, मार्केट नीचे आएगा, पहले मार्केट आएगा 48,100 के पास आएगा और यहां से मार्केट यूटर्न मारने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन फटाफट करके प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। यहां तक भी मार्केट आ जाता है तो इट इज मोर देन हैप्पी फॉर मी, कि इतना भी बन जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि 200-250 पॉइंट ऊपर गए तो 100-150 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पर मार्केट आ जाता है कुछ क्वांटिटी, मतलब 50-60% क्वांटिटी निकाल देना और बची 40 क्वांटिटी राइड कर लेना, क्या पता मार्केट यहां से ऊपर जाकर फिर नीचे गिर जाए और आपको बड़ा प्रॉफिट बन जाए। लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। लेकिन कल के दिन पे अगर मार्केट ओपन ही सीधे 47,800 के नीचे ओपन हो जाए, लगभग 47,800 के नीचे मार्केट अगर कहीं पर भी गैप ओपन हो जाता है, लगभग डायरेक्टली मार्केट अगर कहीं पर भी नीचे ओपन हो जाता है 47,800 के नीचे, फिर थोड़ा सा मार्केट आपको कंफ्यूजन सा क्रिएट कर जाएगा, मार्केट कंफ्यूज में डाल देगा आपको, 200 पॉइंट का गैप डाउन होना थोड़ा सा मार्केट कंफ्यूज में डाल देगा। लेकिन मैं बस इसी सिचुएशन का वेट कर रहा हूं कि मार्केट अगर यहां पर प्लान क्या बना देता है, मार्केट एक बार गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो इस गैप डाउन पर मार्केट कैसे रिएक्शन करता है ये देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से प्लान बनाएंगे। क्योंकि मार्केट अगर यहां पर कहीं पर भी ओपन हो रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायर्स के लिए डरने वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और फिर मार्केट यहां पर रेंज बनाने के बाद क्या मार्केट यहां से नीचे गिरता है या फिर ऊपर जाता है देखना पड़ेगा। मैं बस अभी भी ना एक कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट को सेलिंग करने के लिए, क्योंकि विदाउट कंफर्मेशन में सेल करना प्रीफर नहीं।
नहीं करूंगा। यहां पर मार्केट नीचे तो आ रहा है, नीचे नहीं जा पा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट बार बार अपसाइड मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है। क्या पता मार्केट अगर सोचे 100 पॉइंट का ही गैप डाउन ओपन हो जाए और फिर यहां से अपसाइड मोमेंटम करे, लेकिन मार्केट अगर 200 250 300 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है देन मेरे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मार्केट बन जाएगा। और उसके बाद कल अगर मार्केट सोचे गैप डाउन ओपन होने के बाद कल मार्केट कुछ ना भी करे और यहीं पर टाइम पास करे तो नेक्स्ट दिन मेरे लिए थोड़ा सा काम ज्यादा काम कर जाएगा और नेक्स्ट दिन के एनालिसिस मेरे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एनालिसिस बन जाएगी मार्केट को नीचे खींच के लेके जाने के लिए और किस तरीके से प्लान बनाने के लिए। इतना ही सिंपल सा प्लान बनाएंगे, डिफिकल्ट सा कोई प्लान नहीं बनाएंगे, क्योंकि जिस जगह पर मार्केट ट्रेड कर रहा है यहां से क्वांटिटी को मैनेज करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएगा। भले आपका यहां पर पैसा कम बने लेकिन क्वांटिटी मैनेज होना आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होने वाली, तो इसको पीछे पहले अंडरस्टैंड करके चलो। अभी चलो पहले एक बार निफ्टी को देख लेते कि निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, निफ्टी क्या क्या हो सकता है। अगर आप निफ्टी को देखते हो निफ्टी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मार्केट चल रहा है। निफ्टी के लिए भी सेम सिचुएशन, मार्केट बहुत बड़ा गैप हो जाए, एक शूटिंग स्टार कैंडल का वेट करना है, उसी कैंडल के नीचे हम सेल करेंगे। इट इज अ सिंपल प्लान, बड़ा कोई प्लान नहीं बनाएंगे क्योंकि मार्केट का सिचुएशन उस तरीके से है, इसलिए मैं ये प्लान बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मार्केट यही प्लान है, लेकिन मार्केट देखो बार बार मार्केट नीचे नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई यहाँ पर पहली कैंडल अगर ग्रीन बना दे मार्केट और फिर इस ग्रीन कैंडल के ऊपर मार्केट अगर निकल रहा है फिर क्वांटिटी को 50% क्वांटिटी को ओनली बाय कर लेना, क्योंकि मार्केट अगर फ्लो के साथ जा रहा है तो कंटिन्यूशन में पैसे बनाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी देखते किस तरीके से प्लान बनाएगा, किस तरीके से मार्केट ओपन हो सकता है, इतना ही सिंपल सा प्लान होने वाला है। उसके बाद अगर निफ्टी सीधे गैप डाउन ही ओपन हो जाता है लाइक दैट 21,280 ये सारे के लेवल के पास अगर मार्केट सीधे ही गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मेरे लिए थोड़ा सा निफ्टी में इंटरेस्टिंग ज्यादा मार्केट देखने के लिए मिलेगा। बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग नहीं मिलेगा लेकिन निफ्टी में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मार्केट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी फिर यहां पर ओपन होने के बाद थोड़ा सा मार्केट कोशिश करेगा खुद को बचाने की, एक बार कोशिश करेगा थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होने की, गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत खुद को कोशिश करेगा और फिर यहां से मार्केट एक बार डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है। मैं बस एक वेट कर रहा हूं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि एक बार गैप डाउन मार्केट एक दिन मुझे मिल जाए तो उसके बाद मेरा आने वाला टाइम का सेंटीमेंट कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा और उसे सबसे प्लान बनाने की कोशिश कर रहा हूं। होप आप इतना तो समझ गए होंगे मैं किस तरीके से प्लान बना रहा हूं, किस तरीके चीजें वर्कआउट करो, और आपको भी इसी तरीके से प्लान बना लेना है। अगर आप इस तरीके से प्लान क्रिएट करके चलते हो आपके स्टॉप लॉस से 4-5 दिन जाने दो, लेकिन एक ही दिन में मार्केट में ऐसा पैसा बन जाएगा कि पूरा पैसा कवर होकर चला जाएगा। तो अपने सिस्टम को संभालो, अपनी क्वांटिटी साइजिंग को अंडरस्टैंड करके चलो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।